हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्यूशंस FLT 3। अभी तक आप दो FLTs दे चुके हैं और आज जो FLT सॉल्यूशन आपके सामने है वो भी कंप्लीट सिलेबस पे ही है, बट इसमें कुछ चेंजेस आपको दिखे होंगे। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको पिछले टेस्ट में नहीं दिखे वो यहाँ पर अपियर हुए हैं। सो होप सो आपका स्कोर कार्ड धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा और जो मिस्टेक्स आपने पिछले टेस्ट में की है वो इस टेस्ट में रिपीट ना हुई हो। सो आगे चले। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच ढूंढना है इसमें। मेकिंग आरएनए फ्रॉम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे ही ये आया होगा आपके दिमाग में, सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है वो है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा शुरुआत है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें हम बताते हैं डीएनए टू डीएनए, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेसेस है। अब प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बनाता है एंजाइम्स और एंजाइम कंट्रोल करते हैं आपके कैरेक्टर्स को। ये तो था लीनियर फ्लो सेंट्रल डोगमा का, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर आरएनए से भी डीएनए बन सकता है और वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किन में मिलता है? जिनमें आरएनए एज ए जीनोम हो सकता है, वो होते हैं कुछ वायरसेस। ठीक है, तो यहां देख ले हम कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। पहला, मेकिंग आरएनए फ्रॉम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन। गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेकिंग आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स अनुलेखन। देखो, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सही दिख रहा है। आगे के भी देख ले हम लोग। मेकिंग डीएनए टू डीएनए ट्रांसलेशन, नहीं गलत है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। मेकिंग आरएनए टू प्रोटीन, मतलब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन, तो ये भी गलत है। तो आपका एक ही ऑप्शन सही दिखा आपको, बी फॉर बॉम्बे। मेकिंग आरएनए टू डीएनए, मतलब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। अब आपको यहां पर कुछ वेराइटीज दिख रही है बीटी, जब बीटी कॉटन हम पढ़ते हैं बायोटेक में, वहां पर कुछ वेराइटीज ऐसी बनाई गई है जो कॉटन बॉलवर्म रेजिस्टेंट, कॉर्न बोरर रेजिस्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं जब रेगुलर क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाती हूं तो किस तरीके से हम याद करते हैं, कॉटन बॉलवर्म, है ना? दो चीजें, एक है कॉर्न बोरर। अब क्राय, क्राय आप जानते हैं, कैपिटल सी वाला, दिस इज प्रोटीन। स्मॉल सी वाला जीन। अब कॉटन बॉलवर्म की बात करें तो बड़ी स्पेलिंग है ना, तो इसका मतलब एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड दो वैरायटीज दी। क्राय लिख दो, क्राय वन टू, है ना, एक के बाद दो आएगा। दोनों में ए ए लिख दो। अब ए के बाद क्या आता है? डी और सी, पर राइट टू लेफ्ट लिखो, डी और सी। तो क्राय वन ए सी, क्राय टू ए बी, ये है कॉटन बॉलवर्म रेजिस्टेंट वेराइटीज। अब जो कॉम्बिनेशन यहां नहीं हुआ वो यहां लिख दे, क्राय वन ए बी। ठीक है, अब देखें इधर, क्राय वन ए सी कॉटन बॉलवर्म रेजिस्टेंट है, क्राय वन ए सी, हाँ सही बात, ये सही दिख रहा है। आगे के ऑप्शंस भी पढ़ना है। नेक्स्ट, क्राइवन ए बी कॉटन बॉलवर्म, नहीं, क्राइवन ए बी
कौन बोरो रेजिस्टेंट है, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्राय, अब क्राय नहीं लिखा है, CY2 लिखा है, ठीक है, तो ये गलत है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल गलत। ये सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है और किसमें होता है, यूकैरियोट्स। डन, तो यहां पर एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, ए। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक। सो क्राय 1AC कॉटन बॉलवर्म रेजिस्टेंट वेराइटी। आगे बढ़ जाए, प्लाज्मिड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्लाज्मिड है, PBR322, ठीक है। यहां पर P क्या है, P से प्लाज्मिड, B से बॉलीवर, R रोड्रिगेज, ये डिस्कवरर के नेम्स है, एंड 322 इट इज द नेम ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, क्लियर है। अब यहां जितनी भी चीजें अंदर लिखी है, ये है जीन्स, क्या है जीन्स, बाहर जो है दीज आर क्लोनिंग साइट्स। अब बेटा ये क्लोनिंग साइट है या फिर आप बोल दें इन्हें रेस्ट्रिक्शन साइट्स, मतलब ये वो साइट्स है जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है और स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहा है। तो यहां पर एक तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एक रोब जीन है, एक ओराई जीन है, ठीक है। अब आपको मैच करना है, है ना। अब मैच, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिला है, है ना, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां बनवाया है, नहीं तो बच्चे ढूंढेंगे कि हमारे पेपर में तो ये डायग्राम ही नहीं आया था, तो ये चीज मैंने करवाई है यहाँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, हमारा समय ज्यादा वेस्ट ना हो ड्रॉ करने में। अब इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, याद रखने का तरीका। एक बच्चा था अमर, है ना, अमर के साथ उसका फ्रेंड प्रशांत, PST1, अमर प्रशांत पवार, PVU1, ये बच्चे बैठे थे किसमें, इकोनॉमिक्स की क्लास में, है ना। तो अमर प्रशांत पवार एक साथ है, मतलब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, PST1, PVU1, फिर इकोनॉमिक्स क्लास हिंदी, मतलब EQR1, CLA1, हिंद थर्ड, ये तीनों एक ही जगह पर है। अब पढ़ाने के लिए कोई टीचर चाहिए आपको, अब ये जो टीचर है, ये टीचर है ब्राह्मण, नाम है सलमान, देखो व्हाट अ कॉम्बिनेशन, टीचर, हाँ, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे जो क्लोनिंग साइट्स है वो है बाम H1 साल 1, मतलब जिस भी जीन पे जो क्लोनिंग साइट्स है, अगर आपने उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से यहां पर कट किया और फॉरेन DNA को लाइगेट करा, तो ये जीन अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। इस फीचर को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इन एक्टिवेशन, क्लियर है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, कि जब एक्चुअल जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, क्यों खत्म हो गई, बिकॉज उसका जीन का सीक्वेंसिंग बिगड़ गया, बिकॉज आपने कोई फॉरेन या एलियन इंसर्ट वहां पर अटैच कर दिया। तो यहां अब देख ले, दो चीजें और बता देती हूं, रोप, ठीक। अब रोप PVU2, ओराई, ओराई पे कोई भी क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। रोप क्या करता है, ये रेगुलेट करता है उन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन को जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए जरूरी है। तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए कौन से प्रोटीन्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, ये ध्यान में कौन रखेगा, रोप, ठीक। ओराई, ओराई क्या करेगा, ओराई एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या फिर रेप्लिकेशन बिगिंस, क्लियर। अब यहां पर आप मैच कर सकते हैं, रोप, रोप आपको दिख रहा है, रोप PVU2, यही दिख गया, ठीक। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए, दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। बाम H1, बाम H1 कहां पर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, सेकंड का बी, सेकंड का बी, सेकंड का बी, पहले ही दिख रहा है, दो और चेक कर ले। PVU1 में थर्ड का हो जाना चाहिए आपका, कहां पर गया PVU1, कहां है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है, ठीक, सब एक साथ ही दिया है, देखो बहुत बढ़िया। साल 1 डी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, साल 1 भी कहां है, टीचर सलमान, ये हो गया, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। पर ये
क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसे ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर याद है। नेक्स्ट, इफ फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड एट बाम H1, अभी देखो बाम H1 रेस्ट्रिक्शन साइट पे हमने अगर कोई एलियन डीएनए को लाइगेट करा, इसका मतलब आपने कौन से जीन की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किया है? आपने डिस्टर्ब किया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी। तो यहां पर से ऑप्शन देख ले, यदि बाही डीएनए बाम H1 रेस्ट्रिक्शन साइट पर जुड़ा है तब होता क्या है? ए ऑप्शन देखे, बैक्टीरिया विल नॉट शो रेजिस्टेंस फॉर एम्फिसिलीन, जीवाणु एम्फिसिलीन के लिए प्रतिरोधक नहीं होंगे। एम्फिसिलीन के लिए क्यों नहीं होंगे? एम्फिसिलीन में थोड़ी आपने कोई छेड़खानी की है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। बैक्टीरिया विल नॉट शो रेजिस्टेंस फॉर टेट्रासाइक्लिन, जीवाणु टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधक नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन की साइट पे ही बाम H1 क्लोनिंग साइट है। आगे भी पढ़ ले हम, ये तो सही दिख रहा है। बैक्टीरिया विल शो रेजिस्टेंस फॉर बोथ, नहीं बोथ होगा नहीं, क्योंकि एक पे आपने लाइगेशन किया है। नेक्स्ट ऑप्शन विल नॉट शो रेजिस्टेंस फॉर एम्फिसिलीन एंड टेट्रा, ये भी दोनों का है। दैट मींस यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। जीवाणु टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधक नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे ये आप जानते हो, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पर ही एलियन इंसर्ट हुआ है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को खो दिया उस बैक्टीरिया ने। स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन प्रारंभन के दर का नियंत्रण ही जीन अभिव्यक्ति का प्रमुख स्थल है, याद रखना है आपको। मतलब जब हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो यहां पर प्रोकैरियोट बेचारा मजबूर है। प्रोकैरियोट में सब कुछ एक ही कंपार्टमेंट में होता है, साइटोप्लाज्म। यहां पर रेप्लिकेशन हुआ और एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है प्रोकैरियोट्स में, जैसे ही आरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ भी नहीं, उसी के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब आप वेट थोड़ी करेंगे ट्रांसलेशन तक कि हम देखें पहले कहीं कोई गलती तो नहीं है। आपको गलती कहां पकड़नी है? ट्रांसक्रिप्शन पे। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन। ये हम ऑलरेडी पिछले टेस्ट पेपर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। दमनकारी द्वारा लैक प्रचालक के नियमन को धनात्मक पॉजिटिव नियमन कहते हैं, गलत है। कहीं पर भी लैक ओपेरॉन में आपने पॉजिटिव रेगुलेशन जैसा वर्ड नहीं पढ़ा है, हम पढ़ते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव मतलब क्या है? नेगेटिव मतलब ऐसे लोग जो हमेशा कोई काम नहीं करते, बंद रहते, आपको बार बार जगाना पड़ता है, तो ये भी ऐसे ही है हमारा। लैक ओपेरॉन क्या है? लैक ओपेरॉन में ऑलवेज बंद रहता है, पर आपको इसे इंड्यूस करना पड़ता है, और इंड्यूसर क्या होता है? हमारी लैक्टोज शुगर, ठीक है। तो यहां पर से स्टेटमेंट वन करेक्ट है, पर स्टेटमेंट टू गलत है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन होगा आपका बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, अगेन स्टेटमेंट प्रॉब्लम। द लाइफ ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। एंडो मतलब अंदर, बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स। अंतः परिजीवियों का जीवन चक्र चरम विशिष्टीकरण के कारण ज्यादा जटिल होता है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के अंदर चला गया तो होस्ट के डाइजेस्टिव सिक्रीशंस या जूसेस के अकॉर्डिंग
उसे मॉडिफाई होना पड़ेगा। तो ये स्पेशलाइजेशन लगता है और ये बिल्कुल सही है। ये किसके कंपैरिजन में है? एक्टोपैरासाइट के। स्टेटमेंट टू, द फीमेल मॉस्किटो इज कंसिडर्ड एज अ एक्टो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। हाँ बच्चे सोचेंगे, हाँ फीमेल मॉस्किटो बॉडी की सरफेस के ऊपर बाइट करती है तो वो एक्टो पैरासाइट है। बिल्कुल गलत है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी कंप्लीट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है होस्ट पे डिपेंड करे या अपनी लाइफ साइकिल के लिए होस्ट पे डिपेंड करे। पर मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो अगर आपका ब्लड सक करेगी तो वो सिर्फ अपने एग्स को नरिश करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके ब्लड को सक ना करे तो उसकी डेथ हो जाएगी। वो दूसरे प्लांट सैप पे भी फीड कर सकती है। तो यहां पर एक्टोपैरासाइट बोलना फीमेल मॉस्किटो को बिल्कुल गलत है। हाँ अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता, प्लाज्मोडियम ह्यूमंस का पैरासाइट है तो ये सही है, पर ये कैसा पैरासाइट है? एंडोपैरासाइट, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है ह्यूमंस पे। ठीक है, ह्यूमंस और फीमेल एनोफिलीज दोनों चाहिए इसे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। ठीक है, मादा मच्छर को बाह्य परिजीवी के रूप में माना जाता है, गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है? सबसे पहला ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, चिकित्सकीय परीक्षण अनुप्रवाह संसाधन, ऐसा पढ़ा है। हाँ, बायो रिएक्टर्स के बाद हमने एक स्टेप पढ़ी थी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें प्यूरिफिकेशन सेपरेशन दो चीजें थी और उसके बाद आप ड्रग्स के केस में करते हो क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये स्टेटमेंट, ये मैच सही है। प्यूरिफिकेशन शोधन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में है, अनुप्रवाह संसाधन में, ठीक है ये भी सही है। बायो रिएक्टर पीएच कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम है, फ्रॉथ स्टेबिलाईजर है, ये सारे सिस्टम्स है बायो रिएक्टर्स में, है ना। तो ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, तो जल्दबाजी में ही ए टिक नहीं कर देना, सारे पढ़ के देखना। 108, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट्स, सेब और स्ट्रॉबेरी आभासी फल का उदाहरण है। सबसे पहले तो बोलो कि ट्रू फ्रूट क्या है, फ्रूट किससे बनता है? ट्रू फ्रूट किससे बना है? डेवलप फ्रॉम ओवरी। अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट बने, है ना, अदर देन ओवरी, वो क्या हो जाएगा? अदर देन ओवरी, इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, जैसे अगर थैलेमस कन्वर्ट हो गया कभी, तो ये होते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट में आता है आपका स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैश्यू। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, केला अनिषेकजनक फल का उदाहरण है। ठीक है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ, नेचुरल पार्थेनोकार्पी मिलती है बनाना में, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट। ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है, सत्य है। ठीक, आगे बढ़ जाए। पहली स्टेटमेंट, लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स आर बोरियल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स। याद करो, जहां पॉलिनेशन एनसीईआरटी पढ़ाती है, लास्ट टॉपिक में है एनिमल्स द्वारा किया गया पॉलिनेशन, दैट इज जूफिली में इन एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। बड़े जंतु जैसे कि कुछ प्राइमेट्स, वृक्षवासी कृतंक और यहां तक कि सरीसृप वर्ग की कुछ प्रजाति के पादपों के परागण, मतलब पॉलिनेशन के लिए ये जरूरी है, सक्रिय है, एक्टिव है। सही बात है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल कलरलेस एंड नेक्टरलेस। अच्छा,
अधिकतर कीट परागित पुष्प छोटे रंगहीन और मकरंद रहित होते हैं। अच्छा, जब कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इंसेक्ट क्यों जाएगा पॉलिनेट कराने? तो इसका मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड तो देना पड़ता है, आपको कुछ अट्रैक्टेंट चाहिए। कलर फ्रेग्रेंस एनसीईआरटी बोलती है अट्रैक्टेंट है इंसेक्ट के लिए। तो जब फूल इतना छोटा हो गया तो अट्रैक्शन के लिए दिखेगा ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट तो सही कर दी, पर सेकंड वाली गलत है। तो यहां पर ऑप्शन है स्टेटमेंट वन करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऐसा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू आरएनए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संदर्भ में सही है? ठीक, तो सबसे पहली चीज तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस है, डीएनए मोस्टली डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस है, पर जो कॉमन डिफरेंसेस है वो यहां पर लिखा है। आरएनए के बारे में, आरएनए कैसे अलग है? मोर रिएक्टिव देन डीएनए, डीएनए से ज्यादा क्रियाशील है। बिल्कुल सही बात है, सही है ना। लेस स्टेबल देन डीएनए। अब स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी सुनो, यहां पर जब आरएनए की रिएक्टिविटी की बात होती है तो आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास एक एडिशनल ओएच ग्रुप है, कहां पर? 2- कार्बन पे। अब ये तो हो गया रिएक्टिविटी। अब हम जानते हैं रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, है ना। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्सली कैसे रिलेटेड है? अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई केमिकल कंपाउंड है, ज्यादा रिएक्ट हो रहा है मतलब अपने आप को वो स्टेबल नहीं रख पाता। इसीलिए बोलते हैं ना, क्लासरूम जब आपकी पढ़ाई होती है, क्लासरूम चलती है, तो आसपास ज्यादा बातें नहीं करें। अगर आप आसपास ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है आपके फ्रेंड्स के साथ, तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब स्टेबिलिटी का रीजन एक और क्या आ गया, डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज डीएनए कंटेन थायमिन, डीएनए के पास थाइमिन है। एक्चुअली देखें तो केमिकली थाइमिन इज 2-methyl यूरेसिल, मतलब मिथाइल ग्रुप एडिशनल आ गया, तो ये है थाइमिन। थाइमिन के होने से ज्यादा स्टेबल है, मतलब सेकंड बी ऑप्शन लेस स्टेबल देन डीएनए, डीएनए से कम स्थाई है। हाँ सही बात है, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है। म्यूटेट एट फास्टर रेट देन डीएनए, बिल्कुल सही बात है। आप अभी कोरोना वायरस का ही केस ले लीजिए, जो मैक्सिमम वायरसेस है उनका जीनोम आरएनए है, और आरएनए के कारण से म्यूटेट हो सकते हैं एट फास्टर रेट। सो म्यूटेट एट फास्टर रेट देन डीएनए, ये भी सही है। म्यूटेट एट स्लोअर रेट नहीं, गलत है। तो आपका ऑप्शन ए बी एंड सी, ए बी सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 111, Which one of the following statement is correct with references to Drosophila? निम्नलिखित में से कौन सा कथन Drosophila के संदर्भ में सत्य है? A option, it reproduces by parthenogenesis. ये parthenogenesis विधि से जनन करते हैं, बिल्कुल गलत है। parthenogenesis नहीं, normal sexual reproduction होता है इनमें, तो ये statement गलत है। Smaller female is easily distinguishable from larger male. छोटी मादा प्रहद नर से आसानी से विभेदित की जा सकती है। हाँ, sexual dimorphism तो मिलता है, बिल्कुल सही है, sexual dimorphism मिलेगा, but उस sexual dimorphism में कौन बड़े साइज का है, ये याद रखना है आपको। Male smaller और female is comparatively larger. तो अब यहां पर यही लिखा है कि नहीं, उल्टा लिख दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने फीमेल को स्मॉलर कर दिया, जबकि यहां पर फीमेल लार्जर होती है। सो अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस 2 young flies. एकल मैथुन में 2 मक्खियां उत्पन्न होती है, गलत है, क्योंकि एक सिंगल मेटिंग रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ एग्स, एनसीईआरटी लिखती है, और इसीलिए हमने इसे एज एक्सपेरिमेंटल स्टडी मटेरियल लिया है।
तो गलत है ये। नेक्स्ट, इट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तभी बहुत सारी जनरेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती है और ज्यादा बेटर आपके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। 1-2 सप्ताह में यह जीवन का चक्र पूरा करती है, 1-2 सप्ताह में। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखो एनसीईआरटी जब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करती है, वहां लिखा है फर्स्ट लाइन में ही सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, मतलब जो टीएच मॉर्गन ने स्टडी किए हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस और उसी के बेसिस पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया है। तो अब एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लिंकेज रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज है जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाउ व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज क्या होता है आप जानते हैं? लिंकेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो जीन्स टाइटली लिंक्ड हो जाते हैं और अनेबल टू सेपरेट। तो यहां पर हम कुछ फॉर्मूलेज लिख लें, जैसे कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ज्यादा डिस्टेंस है जीन्स के बीच में तो लिंकेज कम है। ठीक है, दूसरी चीज, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरेंटल कॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा लिंकेज उतना ज्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशन, और जितना ज्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशन उतना कम रिकॉम्बिनेशन, मतलब उतना कम क्रॉसिंग ओवर। अगर मैं बात करूं क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस, ये है डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब जितना दूर दूर है जीन्स उतना ज्यादा बेटर टेंडेंसी है क्रॉसओवर होने की। तो यहां पर देख लें ए ऑप्शन, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। सही बात है, एक ही गुणसूत्र पर सघनता से जुड़े जीन बहुत ही कम पुनर्योजन प्रदर्शित करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। आगे के भी देख लें, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो हायर रिकॉम्बिनेशन। कैसे दिखाएंगे हायर रिकॉम्बिनेशन अगर वो टाइटली लिंक्ड है? बिकॉज हमने देखा है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली रिलेटेड है। एक ही गुणसूत्र पर सघनता से जुड़े जीन अधिक पुनर्योजन प्रदर्शित करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। जो दूर दूर है, अरे यार डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन है क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। लास्ट, जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो रिकॉम्बिनेशन सिमिलर टू दैट ऑफ टाइटली लिंक्ड जीन्स। गलत स्टेटमेंट है, हो ही नहीं सकता पॉसिबल ये। एक ही गुणसूत्र पर ढीले तथा संघनता से जुड़े जीन समान पुनर्योजन प्रदर्शित करते हैं, पॉसिबल नहीं है। जो जीन्स दूर दूर है उनमें लिंकेज कम, जो पास में है उनमें लिंकेज ज्यादा, तो उनके रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। तो यहां पर आपको एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ए। नेक्स्ट, पहला स्टेटमेंट, एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। अगर हम एम फेज की बात करें, एम प्रावस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ चीजें बन रही है, कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कुछ चीजों में आपको दिख रहा है कि कोई चेंज नहीं दिख रहा है, स्टेटिक दिख रही है। तो मतलब यहाँ एम फेज में बहुत सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक चीज और, यहाँ ये जो लाइन दिख रही है, एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि ड्रामेटिक फेज, ड्रामा होता है ना, वैसे वैसे ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट एक तो सही है। सेकेंड, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व प्रो मेटा एना एंड टीलो। सही बात है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन में चारों फेजेस होंगे, पर एनसीईआरटी ने एक लाइन और भी लिखी कि इसमें क्लियर कट डिवीजन नहीं है, क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि प्रोफेज खत्म हुआ फिर मेटाफेज चालू हुआ, ऐसी
चीजें डिस्कस नहीं की गई, आप बता नहीं सकते कि कब प्रोफेज का एंडिंग है और कब मेटाफेज स्टार्ट हुआ। ठीक, हाँ होता जरूर है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही वाला ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू करेक्ट, ये रहा डी ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, नेक्स्ट, फाइव सेपल्स आर फाउंड इन द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, पांच, हाँ पांच, पांच सेपल्स, एक्चुअल में ये पांच सेपल्स वाला फीचर आपको मिलता है सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में, सोलेनेसी के मेंबर्स में। तो सोलेनेसी पोटैटो फैमिली के जो मेंबर्स है, टोमेटो है क्या उसका, हाँ बिल्कुल सही बात है, अश्वगंधा, हाँ मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बेला, अश्व पे, टोबैको, सब्जी लेने चली, तो सब्जी में आलू टमाटर बैंगन, तो यहाँ पर टोमेटो सही है, और अश्व पे अश्वगंधा भी किसका है, सोलेनेसी की मेंबर है, पेटूनिया है ना, अश्व पे, पे से पेटूनिया ऑर्नामेंटल, तो ये सभी सही है पांच पेटल्स वाले, तो ऑप्शन होगा इसका डी, ऑप्शन क्या है डी, सभी सभी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, द सेल डिवाइड टू रिस्टोर दी, अब सेल में डिवीजन हुआ क्या रिस्टोर करने के लिए, सेल चैप्टर का स्टार्टिंग ही हम करते हैं व्हाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों करती है, तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वी एन, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म वी सेल माइनस वी एन, न्यूक्लियो साइटो रेशियो, मतलब वी एन अपॉन वी सेल माइनस वी एन। अगर सेल का साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ पा रहा, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल पे से छूट जाता है, और न्यूक्लियस तो कंट्रोलिंग सेंटर है, देन न्यूक्लियस डिसाइड कि अब तो मुझे डिवाइड होना पड़ेगा, एक से दो होना पड़ेगा, तब जाके मैं सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहां पर अगर ये एनसीईआरटी ने सिग्निफिकेंस में लिखा है, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं जब सेल डिवीजन की, तो सिग्निफिकेंस में लिखा है ये पॉइंट, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस या कोई भी सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस मेनली माइटोसिस का लिखा है, क्या होता है, टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बैक। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन ही दिख रहा है सीधा, केंद्रक कोशिका द्रव्यक अनुपात, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो को मेंटेन करना या रिस्टोर करना। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि जब भी ये रेशियो, जब ये रेशियो डिक्रीज होता है सेल डिवाइड, सेल डिवाइड, ठीक है, रेशियो जब डिक्रीज होगा देन सेल डिवाइड। नेक्स्ट, नेम ऑफ स्लैडन एंड श्वान आर एसोसिएटेड विद, देखो आप जानते हैं 1938-1939 ये जो ईयर है, ये ईयर हिस्टोरिकल ईयर्स है, यहां पर क्या हुआ था सेल थ्योरी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, स्लैडन और श्वान के नाम के साथ जुड़ा है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, पोस्टुलेट्स भी हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स, एंथ्रोजोइट्स मतलब मेल गैनिट्स, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक इन पेरिडोफाइट्स। देखो यार, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से एंथ्रोजोइट्स को स्त्रीधानी के मुख तक ट्रांसफर करने के लिए पेरिडोफाइट्स में किसकी आवश्यकता होती है, याद रखना अगर हम एल्गी में बात करें, ब्रायो में बात करें, टेरिडो में बात करें, तो इनमें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर नीडेड फॉर गैमीट ट्रांसफर,
वॉटर नीडेड फॉर गैमीट ट्रांसफर. गैमीट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए? पानी की रिक्वायरमेंट. बट अगर हम जिम्नो और एनजीओ की बात करें, जिम्नो में एयर करंट से पॉलिनेशन होगा और एनजीओ में तो हम डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन देख ही चुके हैं. डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन देख चुके हैं कि किस किस तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है. तो यहां पर एंथ्रोजोइड्स को माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक ले जाने के लिए क्या लगेगा? होगा आंसर सी, वॉटर. ठीक है. एपीपेटलस, देखो एपीपेटलस मतलब क्या होता है? इस तरीके से है ना, बायकार्पिलरी ओवरी. अच्छा, कुछ ऐसा. एक्टिनोमॉर्फिक पेंटामेरस, एक्टिनोमॉर्फिक और पेंटामेरस. पेंटामेरस मतलब फाइव वाले जो है. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको किसके दिखते हैं? कौन सी फैमिली है? ये फैमिली है आपकी सोलेनेसी. अभी एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोलेनेसी का डिस्कस कर चुके हैं. सोलेनेसी फैमिली आपकी नई एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी में सोलेनेसी फैमिली दी हुई है. ठीक है. नाउ इसके अलावा एडिशनल फैमिली जरूर ऐड करी है एनएनसी में. सो बेलाडोना बिल्कुल सही है, सोलेनेसी का मेंबर है. सोयाबीन नहीं, नहीं ये पल्स फैमिली का मेंबर है, फेबेसी का. इसका फीचर नहीं है ये. एलो, एलो ये लीलिएसी का मेंबर है. ठीक है. ल्यूपिन, ल्यूपिन भी फेबेसी का मेंबर. ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ए. ठीक, बेलाडोना. धतूरा, बेलाडोना क्या है? एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ. देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में नेकेड जेनेटिक मटेरियल ने एक स्ट्रेन से निकल के दूसरे स्ट्रेन को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म करा था. किसने किसको बदला था? देखो एस था विरुलेंट क्योंकि कैप्सुलेटेड था, और आर था ए विरुलेंट क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं था. देन कौन किसको बदल देता है जब आपने हीट किल्ड, हीट किल्ड प्लस लाइवार डाला तो चूहा मर गया जबकि जिंदा रहना था. तो ऐसा क्या हुआ जब इस मरे हुए चूहे में से रिकवरी हुई तो पता चला इसमें से लाइव एस निकले, लाइव एस रिकवर्ड. तो ये कैसे हुआ? मतलब समहाउ आर वॉस ट्रांसफॉर्म्ड, आर बदल दिया गया किसके कारण? बाय जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस, मतलब एस के जेनेटिक मटेरियल के कारण से आर बदल गया और आर के आसपास पॉलीसेकेराइड कोट बन चुका है एंड आर इज नाउ एबल टू कॉज डिसीज, बीमारी कराने लायक हो गया, तभी चूहा मरा. इस एक्सपेरिमेंट्स विथ स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ ये सारे स्ट्रेप्टोकोकस पे ही हुए हैं. एस स्ट्रेन इज विरुलेंट, बिल्कुल सही. आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म बाय हीट किल्ड एस, यही हमने पढ़ा. तो सारे ही सही है, बिल्कुल सही है. इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस के साथ ही प्रयोग किया था. एस प्रभेद विरुलेंट होता है, बीमारी कराने वाला होता है. आर प्रभेद तापमृत, एस प्रभेद द्वारा रूपांतरित हो जाता है. तो सभी उपरोक्त सभी सत्य है, ऑल ऑफ दीस करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. ऑल दी थ्री आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन द सेल. ठीक, हम जानते हैं आपने जब पढ़ा होगा एमआरएनए. एमआरएनए का नाम क्या है? मैसेंजर. मैसेंजर का मतलब है इसके पास होते हैं कोड्स. किसके लिए? कोड्स फॉर अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के लिए कोड है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में एज अ टेम्पलेट काम करता है. देन मजदूर है हमारा बेचारा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को सिर पे बैठा के फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म टू दी साइट ऑफ ट्रांसलेशन. फिर आर आर एन ए, आर आर एन ए साइट फॉर ट्रांसलेशन है, यहीं पर साइट फॉर ट्रांसलेशन. राइबोसोमल आर एन ए, यहीं पर ये सारी
दूसरे सब जो भी आरएनएज हैं वो अटैच होंगे, अमीनो एसिड आएगा नहीं, पर चेन पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है ना। तो आरआरएनए बहुत बार कैटेलिटिक रोल भी प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया में, 23 SRRNA बैक्टीरियाज में कैसा है कैटेलिटिक, एनसीईआरटी लिखती है ट्रांसलेशन टॉपिक में, ठीक ना। सो आरआरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिक रोल, सही बात है। आपको ढूंढना क्या है सुन लो यहां पर, इनकरेक्ट है। एक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी तीनों आरएनए आवश्यक होते हैं, पर आपको निम्न में से गलत चुनना है, गलत। सो वही टिक मत करके आ जाना, ए ऑप्शन को फिल कर देगी। तो ए सही है पर आपको गलत चुनना है। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, हाँ पढ़ा हमने, ट्रांसफर करता है। एमआरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिक, नहीं वो आरआरएनए का काम होता है, ये गलत है। एमआरएनए टेम्पलेट जैसा काम करता है, साचा है जिसको देख के प्रोटीन चेन बनेगी। तो आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरल डायग्राम ऑफ अ फैमिली डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट। फ्लोरल डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं, याद भी है हमें, ट्रिक्स भी बताई है मैंने फ्लोरल डायग्राम्स को याद करने की। यहां पर टाइप ऑफ फ्रूट बताता है क्या, फ्रूट का प्रकार बताएगा क्या फ्लोरल डायग्राम? टाइप ऑफ सीड बताएगा क्या? देखो ये बोल रहा है किसके बारे में नहीं बताता। सो टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ सीड ये नहीं बता रहा है। क्या टाइप ऑफ एस्टिमेशन बता रहा है? देखो फ्लोरल फॉर्मूला नहीं बोल रहा है, वो फ्लोरल डायग्राम बोल रहा है। नहीं तो अभी बच्चे आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे कि मैम हमारे जो फ्लोरल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है उसमें तो हम मेंशन करते हैं फ्रूट का टाइप। अरे भाई फ्लोरल डायग्राम के बारे में बोल रहे हैं कि फ्लोरल डायग्राम किसके बारे में नहीं बताता। तो टाइप ऑफ फ्रूट नहीं पता चलता, टाइप ऑफ सीड नहीं पता चलता, एस्टिमेशन हाँ किस तरीके से पेटल सेपल्स अटैच्ड है पता चलता है, एडहेशन हाँ कैसे चिपका हुआ है, कोहेजन और फ्लोरल पार्ट्स मतलब फ्लोरल पार्ट्स एक दूसरे से दूसरे वॉल से कैसे अटैच्ड है, जैसे एपिपेटलस है एपिफाइलस है, और आपस में कैसे अटैच्ड है मतलब सेपल सेपल्स कैसे अटैच्ड है, पेटल्स पेटल्स कैसे अटैच्ड है। तो मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या नहीं बताएगा ए एंड बी, ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? देखो फलों का प्रकार और टाइप ऑफ सीड ये दोनों ए एंड बी, ए एंड बी ये रहा ऑप्शन आपका, है ना, ए एंड बी। सो ओनली ए एंड बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ए और बी नहीं बताता बाकी सारी चीजें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लॉयडी ऑफ आर्किगोनियोफोर एंड आर्किगोनियम, देखो यार ये रिलेटेड है विथ फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफिटिक बॉडी, जहां भी शब्द आ जाता है ना गैमिटोफाइट, तो गैमिटोफाइट का मतलब होता है हैप्लॉइड, गैमिट प्रोड्यूसिंग पार्ट्स इनके पास होंगे, ये है हैप्लॉइड। इट बियर्स सेक्स ऑर्गन, बियर्स सेक्स ऑर्गन्स जो है तो मल्टी सेल्यूलर, बट इनकी प्लॉइडी अगर हम देखें सेक्स ऑर्गन्स में इनकी प्लॉइडी, क्योंकि आर्किगोनियोफोर आर्किगोनियम ये शब्द अपन कहां यूज कर रहे थे याद है आपको, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी वॉज हैप्लॉइड, तो ये इनकी प्लॉइडी हो गई हैप्लॉइड, ठीक है बेटा। आर्किगोनियोफोर और आर्किगोनियम ये दोनों ही हो जाएंगे हैप्लॉइड, ठीक। एन एन नेक्स्ट, इन विच प्लांट The plant body does not differentiated into true roots, stems and leaves. देखो ये एक तो एलगी वाले में ये प्रॉपर्टी थी कि डिफ्रेंसिएशन नहीं मिला, एक ब्रायो में डिफ्रेंसिएशन नहीं मिला था, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन आ गया था। तो अपन देख ले यहां पर किसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। तो स्फैग्नम, स्फैग्नम क्या है, मॉस है, तो इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ठीक है ये होगा। एडियंटम फर्न है भैया, फर्न है तो इसमें तो डिफरेंशिएटेड, फर्न में डिफरेंशिएशन मिलेगा। पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी है ये, याद होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही, रेड एल्गी है तो इसमें भी अनडिफरेंशिएटेड है। यूडोरिना ग्रीन एल्गी है, अनडिफरेंशिएटेड है।
तो इसका ऑप्शन किसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं मिल रहा है, तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी है ना, ए सी एंड डी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस एडियंटम ही ऐसा है, बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिफ्रेंसिएशन मिलेगा, तो बी ऑप्शन में डिफ्रेंसिएशन आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीव एस्कोकार्प्स फ्रूटिंग बॉडीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एस्कोकार्प्स एट द फ्रूटिंग बॉडीज, निम्नलिखित में से कौन सा एस्कोकार्प रखता है। पहला न्यूरोस्पोरा, देखो न्यूरोस्पोरा किसमें आता है, एस्कोमाइसिटीज, तो इसमें एस्कोकार्प होंगे। पक्सीनिया, ट्रिक याद है बापू, बेसिडियोमाइसिटीज, ए से क्या था बापू, बेसिडियोमाइसिटीज के तीन मेंबर्स थे, ए से अगारिकस मशरूम, पी से पक्सीनिया, यू से यूस्टिलैगो, तो ये तो बेचारा बेसिडियो है तो इसमें नहीं होंगे, है ना। क्वालिटो ट्राइकम और अल्टरनेरिया, मैंने बताया था कैडेट एग्जाम्पल, ठीक है, तो अल्टरनेरिया, क्वालिटो ट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है, तो हमारा ऑप्शन जो एस्कोस्पोर रखता है वो सिर्फ एस्कोमाइसिटीज वाला, और वो होगा न्यूरोस्पोरा। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी एमटीपी से नास, है ना। तो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 125, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू, देखो एक थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव मतलब इसमें हीमोग्लोबिन की चेन इनकम्प्लीट बनती है, है ना, ये है अल्फा अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया स्पेलिंग एग्जाम में दी रहेगी। क्रोमोसोम नंबर अल्फाबेट काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्रोमोसोम नंबर 16 पे जीन का डिफेक्ट है, बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा तो सिंबल है, बीटा को क्या गिनोगे आप, थैलेसीमिया में गिन लो, तो बीटा थैलेसीमिया में थैलेसीमिया काउंट करो, क्रोमोसोम नंबर 11। कंफ्यूजन जो होता है ना उसको ठीक करने के लिए, तो अल्फाबेट्स काउंट कर लो, वो क्रोमोसोम है, ठीक। तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन चेन इनकम्प्लीट बनी है। और अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन चेन डिफेक्टिव बनती है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, बिकॉज उसमें सिक्स्थ पोजीशन में सिकल सेल में क्या होता है, सिक्स्थ पोजीशन बीटा ग्लोबिन चेन में कौन आया, कौन गया, बीटा ग्लोबिन चेन में वेलकम किसका हुआ, वैलिन का, और गो गया कौन, ग्लूटामिक एसिड गया और आया कौन, वैलिन, ठीक है, इतना सब पता है हमको। सो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, नहीं, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देख ले, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ग्लोबिन अणु के मात्रात्मक संश्लेषण में त्रुटि के कारण से सिकल सेल एनीमिया होता है। क्यों भाई, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है क्या, नहीं क्वालिटेटिव है ना, ये तो ये गलत हो गया। Both are due to qualitative defect in globin chain synthesis. दोनों ग्लोबिन श्रृंखला के गुणात्मक संश्लेषण में त्रुटि के कारण होती है, नहीं, बता दिया मैंने पहले ही आपको, सिकल सेल क्वालिटेटिव है, सिकल सेल कैसा है, क्वालिटेटिव, यहां पर हो जाएगा थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, क्योंकि थैलेसीमिया कैसा है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ फाइकोस 174 बैक्टीरियोफेज एसएस डीएनए होता है, याद रखना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एंड बैक्टीरियोफेज लैम्डा, लैम्डा फेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, पर होता दोनों में ही डीएनए है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डीएनए डीएनए, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, क्यों, एनसीईआरटी ने दिया है, हाँ जी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एक पैराग्राफ दिया है,
जहां पर दी डीएनए दिया है उस पैराग्राफ में न्यूक्लियोटाइड्स दी हुई है ह्यूमंस की, बेस पेयर्स दिया है, लैम्डा फेज के बारे में दिया है, इकोलाई के बारे में दिया है और आपका ये 5x174 के बारे में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, निम्नलिखित में से कौन से जैव पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होते हैं? हमने शेप कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शेप और कलर तो यूज ही नहीं करते हो आप। बायोमास, हाँ यूज करते हैं, ठीक है, जैव भार का यूज कर रहे हो आप। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की संख्या, बिल्कुल यूज करते हैं। एनर्जी, ऊर्जा, बिल्कुल यूज करते हैं। तो तीनों पड़े हैं, मतलब किसका यूज नहीं हो रहा, जीवों की आकृति एवं रंग, शेप एंड कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लोरोप्लास्ट के लिए सत्य है? विद इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम, सही बात है, बता दें हम, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है थाइलेकोइड, और ये थाइलेकोइड या तो ग्रेना बना सकता है, ग्रेना के फॉर्म में अरेंज हो जाए, या फिर स्ट्रोमा लैमिली के फॉर्म में अरेंज हो जाए। ठीक है, और यहां पर होता है लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टोमा लैमिली ओनली नहीं है, क्या बताया मैंने, ग्रेना भी होता है ना उसमें, सिर्फ स्टोमा लैमिली नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रही, गलत है ना। झिल्ली तंत्र केवल स्टोमा लैमिली से बना है, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट हैज फ्लूइड स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट में तरल स्टोमा होता है, हाँ बिल्कुल सही बात। देयर इज क्लियर डिविजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में स्पष्ट कार्य विभाजन का, श्रम का विभाजन दिखता है, मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम अलॉटेड है, वो क्या करता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन कहां होते हैं, स्ट्रोमा में, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर व्हाट इज करेक्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट में, आपका ए ऑप्शन सही है, सी सही है और डी सही है, ए सी डी वाला ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, क्योंकि ये बी ही ऐसा था जो गलत है, वी और तीन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 129, इफ बाय सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गी एवरी मिनट, देखो ऐसे क्वेश्चंस बड़े मजेदार होते हैं ना सॉल्व करने में, अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो। एवरी मिनट अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप इन वन आवर, एक घंटे में, वन आवर, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं 60 मिनट्स। अब आपसे पूछा है देन 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल बी फिल्ड अप इन हाउ मच टाइम, और आपको ये बता दिया है कि ये जो सक्सेसिव डिवीजन है ब्लू ग्रीन एल्गी का, वो कितने समय में हो रहा है, एक मिनट में, है ना। तो अपने को इंफॉर्मेशन आ गई भी है कि सेल डिवीजन टाइम कितना है उसमें, 1 मिनट में। ठीक है, अब ये एक जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड हो गया, कंप्लीट फिल्ड हो गया 60 मिनट में, है ना, उल्टा चलना पड़ेगा इसमें आपको, उल्टा। अब ये 60 मिनट में पूरा भर गया, इसका मतलब एक मिनट पहले की बात करें, एक मिनट में तो डबल होती है चीजें, अगर एक मिनट पहले की बात करें तो ये आधा होगा, है ना, हाफ। कितने समय में हुआ ये, 59 मिनट्स में हुआ होगा, और इसके पहले इसका और हाफ कर ले, ठीक है, मतलब 1/4 अगर हम ले, 1/4 फिल कब होगा, इसके एक मिनट पहले, 1/4 फिल कब होगा, 58 मिनट्स में। क्यों ऐसा एक एक मिनट में आप इतना चमत्कार दिखा रहे हो, हम नहीं दिखा रहे, यहां दिया है कि सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एवरी मिनट हर मिनट में क्या करता है, डबल होता है, तो डबल होता है, तो आपको दिया है कि 60 मिनट में अगर पूरा भर जाता है तो आधा कब हुआ होगा, वो आधा हुआ होगा वो 58 मिनट में था, अब ये 58 मिनट में जब एक बार और एक मिनट हुआ तो वो पूरा भर गया, मतलब 58 के पहले भी इसका हाफ, मतलब 1/4 पूछा है तो 58 मिनट, 60 के पहले 59 मिनट्स, 59 मिनट्स के पहले
58 मिनट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डी 58 मिनट्स। ठीक है, अगर आपसे पूछता हाफ कितने समय में हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप करते 59 मिनट्स, पर 1/4 पूछा है मतलब उसका भी हाफ करना है आपको। इफ यू आर, क्वेश्चन नंबर 130, इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक्ड अपॉन। यदि आपको कक्षा में प्याज की मूल शीर्ष दी जाती है तथा गुण सूत्र गिनने को कहा जाता है तो आप कौन सी अवस्था को सुविधाजनक देखेंगे। हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज, जब क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस होते हैं, और बेस्ट स्टेज है टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी। तो यहां पर मध्यावस्था मेटाफेज आंसर होगा इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेटमेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड is so closely linked with that of temperature since the moon is the source of, since the moon thodi source hota hai, sun hota hai, moon is the source for both, galat hai yaar, hai na। yahan par prithvi par prakash ki upalabdhata tapman se nikat se sambandhit hai, matlab temperature light dono related hai kyunki dono ka sotra chandrama hai nahi surya hai, hai na। to ye statement galat hai। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, बिल्कुल सही है, सौर विवीकरण की स्पेक्ट्रल गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, व्हाइट लाइट कॉम्पोनेंट, विबग्योर, पार, ये सारी चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है बेटा, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है ना, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, हाउएवर व्हेन देयर इज सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और प्लांट इज एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड, मतलब ऑर्गेनिज्म इज फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड नियर फ्यूचर, मतलब भविष्य में उसे खतरा हो सकता है, एंड द नीड्स अर्जेंट measures to save it from extinction, then what is the desirable approach? जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से, कौन से, वे जीव जिनके निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है, बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति में आप कौन से मेथड को अपनाते हैं। याद करो, अगर एक्सटिंक्शन का खतरा है कि उसका नेचुरल हैबिटेट जो है उसमें वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, उससे खतरा है, तो हम उसे उस जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन करेंगे। अब ऑफ साइट कंजर्वेशन को एक्सीटू भी बोलते हैं, ये दोनों तो एक ही है, तो यहां पर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, दोनों सही है ना, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, इफ एन ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद ऑब्लिगेटरी वे टू अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो अगर आपने एक को एक्सटिंक्ट कर दिया, देन व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द अदर स्पीशीज। पूर्ण रूप से निर्भर, ऑब्लिगेट, पूर्ण रूप से निर्भर की तरह जुड़ी हुई अगर एक जाति विलुप्त हो जाती है तब दूसरी जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रहेगी, खुश रहेगी, हाँ अच्छा भाई ये तो चला गया, अब तो मैं अकेली राज करूंगी, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे। जैसे लाइकेंस, लाइकेंस का अगर एक कंपोनेंट फाइकोबायोंट भी आप हटा दो, एल्गी हटा दो, फंजाई की डेथ हो जाएगी, अगर आप माइकोबायोंट फंजाई हटा दो, एल्गी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर विलुप्त, एक्सटिंक्ट होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द हिमालयन रेंजेस शो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द केमिकल रिसर्पीन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, हमने देखा है दैट इज दैट इट प्रोड्यूसेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो सबसे छोटे लेवल की डाइवर्सिटी है जो जीन्स के लेवल पे हो रही है ना, जीन्स के लेवल पे मतलब जेनेटिक,
ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। औषधीय वनस्पति राउल्फिया वोमिटोरिया हिमालय क्षेत्र में उगते हैं, जिनके रसायन की क्षमता व सांद्रता में विभिन्नता है, और ये विभिन्नता क्या कौन सी डाइवर्सिटी को बताती है? तो इसका आंसर होगा अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज में वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज में बहुत सारे बायोम्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, अरेंज दी वेरियस स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या करते हो? ठीक, सबसे पहला आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे पहले फ्रेगमेंट बनाइए तो, है ना, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण नहीं, उससे पहले हम तोड़ेंगे उसे। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अच्छा, डाइजेशन करना है, हाँ इससे पहले डाइजेशन तो होगा, बिल्कुल सही बात है, पर क्या डीएनए अभी आपके हाथ में आ चुका है? नहीं, अभी निकालना जरूरी है। तो तीसरी स्टेप हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बात की बात है। आइसोलेशन, हाँ ये लग रहा है, पहले तो डीएनए निकालोगे ना आप। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का विलंगन, ठीक है। तो यहां पहला होगा फोर्थ, फोर्थ आपको दिख रहा है दो ऑप्शन, है ना। फोर्थ के बाद जैसे आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, उसके बाद आप डीएनए के टुकड़े करोगे, क्योंकि टुकड़ों के बिना आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां डाइजेशन वाला ऑप्शन है सेकंड, ठीक। तो ऐसा ऑप्शन देखो यही दिख रहा है, अब और देख लें। पर इसके बाद फर्स्ट आ गया, बिल्कुल सेपरेट करा इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर उसके बाद आपने सिक्स्थ ट्रांसफर किया, आपने ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग करते हैं ना हम लोग, सदन ब्लॉट्स, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे उसकी छाप लेते हैं, फिर तीसरा हाइब्रिडाइज करते हो आप वीएनटीआर से, और फिर लास्ट में आप डिटेक्शन करते हो बाय ऑटो रेडियोग्राफी। आंसर होगा इसका ए, ठीक है, आंसर होगा ए ए ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? फ्रॉग, कैमोफ्लेज, हाँ एनसीईआरटी लिखती है। अडेप्टेशन में जब अपन बात करते हैं, तो कुछ ऐसे अडेप्टेशन होते हैं जो हमें हमारे एनिमी से प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। जब हम प्रिडेशन पढ़ते हैं, प्रिडेशन में एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, अपने आप का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो कैमोफ्लेज होता है, ये बिल्कुल सही है। कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस याद करो, हर्बीवोरी से बचने के लिए अपने अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स ले आता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स। रिसोर्स पार्टिशनिंग, हाँ अगर सेम रिसोर्स पे दो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड अगर फीड करती है, तो लंबे समय तक वो एक साथ नहीं रह सकती, तो इसीलिए रिसोर्स पार्टिशनिंग की जरूरत पड़ गई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है? मेंढक छद्मावरण, केलोट्रोपिस शाहकारियों से विरुद्ध रासायनिक सुरक्षा हर्बीवोरी से बचने के लिए, संसाधन विभाजन प्रतिस्पर्धा को टालना, ठीक है। तो सभी सही है, ऑल ऑफ दिस। रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हाँ, मतलब एनाबॉलिज्म मतलब चीजों का बनना, फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों का ब्रेकडाउन, टूटना। रेस्पिरेशन में जब लास्ट पार्ट दिया है आरक्यू के पहले, वहां बताया है कि रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक बट रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबॉलिक, मतलब चीजों का टूटना भी हो रहा है और जरूरत पड़ने पे चीजें बनती भी है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा एम्फीबॉलिक, कहां एम्फीबॉलिक, ठीक है, दोनों हो रहा है इसमें। 38, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज यील्ड बाय 20 टन्स डायरेक्टली, एनसीईआरटी की लाइन है, 20 टन से पर एकड़, पर एकड़ 20 टन से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको कौन से हार्मोन के स्प्रेइंग से मिलती है? एंड आंसर इज जिब्रेलिन। जबरन पढ़ाते हैं क्या? नहीं, अब पढ़ाना पड़ता है ना बेटा सिलेबस में, तो ये जिब्रेलिन आंसर है आपका, एग्जैक्ट डायरेक्टली दिया। स्टेम इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। इफ इन अ रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन में फॉर कन्वर्जन ऑफ 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स
इनटू प्रोडक्ट वी यूज 100 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन हाउ मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर रिमेनिंग. ठीक है, एक अभिक्रिया रिएक्शन में 1000 क्रियाधार अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए, मतलब प्रोडक्ट में बदलने के लिए हम 100 एंजाइम्स और एंजाइम्स के अणुओं का उपयोग करते हैं. तब अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद कितने एंजाइम्स अणु शेष बच जाते हैं? एक एग्जांपल बता के मैं रेगुलर क्लास में याद कराती हूं. आप सभी है सबस्ट्रेट्स, डॉक्टर बनना है प्रोडक्ट, मतलब आप बनना चाहते हैं प्रोडक्ट. उस दौरान, मतलब रिएक्शन के दौरान, आप बहुत बार डीमोटिवेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, ट्रैक से आउट हो जाते हैं. पर आपको फिर से ट्रैक पे लाना, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, रिएक्शंस को स्पीड अप करने में कौन काम आते हैं? हम टीचर्स, मतलब हम आपके लिए क्या है? एंजाइम्स है. ठीक है, अगर हम एंजाइम्स है तो क्या हम खुद भी आपकी जगह जाके एग्जाम सेंटर पे पेपर दे सकते हैं? काश मैम अगर ऐसा होता, मजे आ जाते हैं. पर ऐसा नहीं होता ना बेटा. तो अगर ऐसा होता हमारे हाथ में होता तो हम आपकी जगह जाके पेपर दे देते, पर दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट मींस रिएक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको पुश कर रहे हैं, मतलब हम आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं. वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. एंजाइम ओनली प्रोवाइड द सरफेस फॉर द रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द रिएक्शन. तो यहां पर अगर 100 पहले थे एंजाइम तो बाद में भी क्या रहेंगे? 100, बिकॉज ये यूज नहीं होते. ठीक है, तो आंसर होगा आपका 100. नेक्स्ट देख ले, हाउ मेनी मैच पेयर आर करेक्ट. ठीक है, कितनी अनुरूपता सही है? वो बाय जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन, हाँ कहाँ दिया है पता है? आरएनए इंटरफेरेंस में दिया है. जंपिंग जीन्स, आरएनए इंटरफेरेंस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बिल्कुल बनाए थे हमने. आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस है किसमें? यूकैरियोट्स में, सही है. बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये भी सही है. सभी तो सही है, ऑल ऑप्शन नहीं है पर 4 ऑप्शन है ना. तो आंसर होगा इसका ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141. इन ऑर्डर टू मेक बैक्टीरियल सेल कंपीटेंट टू टेक रिकम्बाइंड डीएनए, दीज आर ट्रीटेड विद डाइवेलेंट कैटायंस, बिल्कुल सही है, सच एज कैल्सियम. How this enable the entry of recombinant DNA into the cell? हाँ, हमने पढ़ा है कि जब भी हम सेल को कंपीटेंट बनाते हैं ताकि वो डीएनए को ले सके, तो हम उसे डाइवेलेंट कैटायन, कैडमियम, कैल्शियम की मदद से ट्रीट करते हैं. ऐसा क्या होता है कि कैल्शियम और कैडमियम ने क्या कर दिया कि जो बाहर का डीएनए है वो अंदर चला गया. जीवाणु कोशिका को पुनर्संयोजी डीएनए को ग्रहण करने के लिए योग्य बनाने हेतु उनको द्विसंयोजी धनायनों जैसे कि कैल्शियम के साथ संयोग किया कराया जाता है. यह किस प्रकार पुनर्संयोजी डीएनए को कोशिका के अंदर पहुंचाता है? ए ऑप्शन, इट जनरेट्स ग्रेडियंट, यह ग्रेडियंट उत्पन्न करता है. ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस. नहीं, दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन इट्स वॉल्स. देखो, चार्जिंग, आप जानते हो कि डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग. अगर कोई भी चीज वाटर लविंग है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक. तो इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट की जाती है ताकि आसानी से डीएनए एंटर हो सके. तो ये तो लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, आगे का देख ले. इट कॉजेज एक्टिव अपटेक ऑफ डीएनए बाय द सेल. नहीं, इट कॉजेज एक्टिव अपटेक ऑफ आरएनए बाय द सेल्स. नहीं, तो मेनली ये किस पे एक्ट कर रहा है? पोर साइज. तो आंसर होगा आपका बी. यह जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति के छिद्रों द्वारा डीएनए के प्रवेश की क्षमता को बढ़ा देता है. ठीक है, आंसर होगा इसका बी फॉर बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 142. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स? देखो यार, ये दिया हुआ एनसीईआरटी ने पीसीआर डायरेक्टली, है ना. पीसीआर की मदद से आप
सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स में जो भी म्यूटेशन हुआ है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर डायरेक्टली है पीसीआर। कौन सी विधि का उपयोग संदेहात्मक, मतलब सस्पेक्शन है, आपको संदेह अभी पक्का नहीं हुआ है, कैंसर के रोगियों में होने वाले उत्परिवर्तनों को पता लगाने के लिए किया जाता है। एलाइसा आप जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, दिस इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको हम यूज करते हैं एचआईवी डिटेक्शन के लिए। पेज, पेज क्या है, पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए यूज की गई इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हम यूज करते हैं ना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म यूकेरियोट्स का, ठीक। नेक्स्ट 143, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हम जानते हैं मेरिस्टेम दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेरिस्टेम एक सेकेंडरी। प्राइमरी इनिशियल ग्रोथ स्टेज में आपको दिख रही है, प्राइमरी मेरिस्टेम हो सकती है अपाइकल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बीच में दो नोड्स के बीच में, और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आती है लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन सही है, इट ऑकर्स इन ग्रास, इट ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, हाँ ये बिल्कुल सही दिख रहा है, आगे का भी पढ़ लें पर। इट ऑकर्स इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट्स आर रिमूव बाय कार्निवोर्स, अच्छा पर ये तो अपाइकल के लिए दिया है, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, नहीं आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो ये गलत है, ठीक है। ये घास में पाए जाते हैं मांसाहारी द्वारा, मांसाहारी किसे खाएगा घास को, ये कार्निवोर कैसे खाएगा, गलत है ना। इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये द्वितीय विभिन्न, गलत है, ऑल ऑफ दीज तो हो गई नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। इट ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 144, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। देखो अब आगे असर्शन रीजन, अभी तक स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे। पहला है असर्शन, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, हाँ सही बात है, 99% ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स है जिनका फंक्शन कैटलिटिक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, सही है। रीजन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम, अरे अभी जो मैंने समझाया वही बता रहे हैं, है ना, कुल न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही और करेक्ट स्टेटमेंट भी है, तो ऐसा ऑप्शन आपको ए में टिक कर देना है ना, क्योंकि हमें याद रहता है कि ए जनरली कैसा रहता है, ए एंड आर दोनों सही है ना, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट आपका सही हो जाएगा आंसर, बोथ करेक्ट, यरा डी एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट 145, पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन जेनेसिस्ट जेम्स पनेट, एक सेकंड, अमेरिकन नहीं होते, यह है ब्रिटिश, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज अलील्स, ये सही है स्टेटमेंट, है ना, तो पुनेट के बारे में अमेरिकन गलत था। जीन्स जो किसी विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ी होती है उसे अलील के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है, तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट टू करेक्ट, ठीक है, तो यहां पर दिया है सी ऑप्शन होना चाहिए, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू करेक्ट था। 146, फिक्सेशन ऑफ 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स इन केल्विन साइकिल, देखो यार केल्विन साइकिल जल्दी से देख ले फटाफट, है ना, केल्विन साइकिल में होता क्या है, हमारा सबस्ट्रेट होता है आरयूबीपी, ये आरयूबीपी सीओ टू को फिक्स करता है, ये 5 कार्बन वाला है, है ना, और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है फिक्सेशन के लिए वो है आपका रुबिस्को,
ठीक है, फिक्स कर दिया। दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप कौन सी है? कार्बोक्सिलेशन। अब एक कार्बन उसे उधर से आ गया, इधर से पांच आ गए, तो दोनों मिलके छह कार्बन बनते हैं। पर यहाँ छह वाला कुछ नहीं बनता है, यहाँ तीन वाला बनता है। दो मॉलिक्यूल्स बने किसके? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C3 प्लांट्स का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपको रिड्यूस करके क्या बनानी है? ट्रायोस शुगर, है ना, ट्रायोस फॉस्फेट की शुगर। तो अब रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन में याद रखना कि इधर रिडक्शन के लिए ATP यहां लगता है और निकलता क्या है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब ये कितने मॉलिक्यूल्स? अरे दो मॉलिक्यूल चल रहा, तो ये भी दो, ये भी दो, सब दो दो हो गया। साथ में रिडक्शन कर रहे हो तो आपको हाइड्रोजन का कोई सोर्स चाहिए। तो हाइड्रोजन यहां कौन देता है? इस स्टेप में आया NADPH2। अरे कहां बना था ये? बना था ये लाइट रिएक्शन में, तो NADP+। ये भी कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? दो। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हम कि ट्रायोस फॉस्फेट, ये एक कार्बन देता है किसको? शुगर को। अगर इसने एक कार्बन शुगर को दी, छह आ रहे हैं ना यहां से, तो फिर से पांच कार्बन क्या कर दो? रीजनरेट। तो ये स्टेप क्या हो गई? रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी आपने क्या किया? ATP एक मॉलिक्यूल लगा और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला। तो अगर मैं बात करूं टोटल एक CO2 फिक्स करने के लिए, टोटल वन CO2 फिक्स करने के लिए तीन ATP यूज्ड और दो NADPH या H2 यूज। तो अब यहां वो बोल रहा है कि तीन CO2 रिक्वायर। अब तीन CO2 के लिए क्या है? तो इंटू थ्री कर दो ना, 339 यहां पर इंटू थ्री कर दो तो 9 हो जाएगा, यहां पर इंटू थ्री कर दो 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 6 NADPH या NADPH2 एंड 9 ATP, एक ही ऑप्शन दिख रहा है तुमको, है ना बेटा? तो इस तरीके से केल्विन साइकिल, बट टिप ऑफ द टंग आपको होना चाहिए। एंड आई होप सो इट्स इस स्टेज पे आके तो आप सभी को इसी तरीके से बैलेंसिंग और सारी इक्वेशंस याद होंगी। ठीक, नेक्स्ट। इन विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल स्टीरॉइड हार्मोन, अरे सिंथेसाइज्ड इन एनिमल सेल, याद करो हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में SER क्या बनाएगा? प्रोटीन। SER क्या बनाएगा? लिपिड, स्टीरॉइड हार्मोन। ठीक, तो यहां पर आपका ऑप्शन दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय अंगक के में स्टीरॉइड हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूस। नहीं, तो आंसर होगा आपका SER, चिकनी अंतरद्रव्यीय झिल्लिका, है ना, जालिका। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। बिल्कुल सही है, पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि करते हैं। ऐसा क्या है इनके पास? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। ये स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन, मैच्यूरेशन। हाँ, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में जहां पर ये ऐसा याद रखना, ये ऐसा सीडलिंग दिया है और इसी सीडलिंग में अलग 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 लेबलिंग दी हुई है, और यहीं पर आपको मेंशन किया है एलोंगेशन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिस्टेमेटिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मैच्यूरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है बेटा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है ना। वृद्धि अवधि तीन चरणों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन क्रॉसिंग टू हेट्रोजाइगोट्स टी प्लांट्स। अच्छा, मतलब आपने कुछ ऐसा किया,
अ टोटल ऑफ 500 प्लांट्स, टोटल 500 मिले F1 में, और उनमें से रिस्पेक्टिव नंबर टॉल और ड्वार्फ का। अब आप जानते हो जब आपको इस तरीके के क्रॉस होगा तो ऐसे आपको ये तीन तीन है और ये है 1:3:1 रेशियो में आपको मिलता है। अब टोटल 500 है तो 500 के 3:1, थ्री पार्ट 500 का कितना हो जाएगा? या तो आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन से भी लगा सकते हो 3:1, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये होगा 375 1 25। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हु इज हेटरोजाइगस फॉर 4 लोकाई। यहां पर क्लासरूम में मैं फॉर्मूलेज बता देती हूं, यहां भी बताती हूं। टाइप ऑफ गैमेट्स या टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला 2 टू द पावर n। ठीक है, जहां पर n नंबर ऑफ हेटरोजाइगस। ठीक है, अब यहां पर टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालने का, जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है 3 टू द पावर n। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा बता देती हूं। टाइप ऑफ जाइगोट निकालने का फॉर्मूला 4 टू द पावर n। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स पूछा ना, तो गैमेट्स अब यहां फॉर्मूला लगा दो 2 टू द पावर n। अब 4 लोकाई, 2 4 8 मत कर देना मैडम, रहने दो, इतना बुरा भी नहीं है मैथ्स, क्या पता। सो यहां पर हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 का ऑप्शन हो जाएगा 16। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ FLT 3rd। होप सो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर।